जय मसीह के प्रभु यीशु के नाम से आप लोग सभी का और एक बार इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी अभी सब क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर सर्विस मनाया और मैं सोचता हूँ आपने भी अपने चर्चेस में मनाया होगा और एक बहुत ब्लेसेड टाइम रहा। परमेश्वर का धन्यवाद, नया साल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम देख सके ना, ये परमेश्वर की आशीष है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, इसी विषय को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, टेस्टिमनीज आ रहे हैं, हम तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। कितनों के जीवन का सुधार हुआ, उन्नति हुआ, बदलाव हुआ, चंगाई मिला, छुटकारा मिला है। नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप जरूर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करिए और हमारा प्रेयर टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना में लगा है ना। परमेश्वर आपको सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रभु घर को और परिवार को निर्माण करता है। बाइबल में जो लिखा पहले बताया हूं, जब तक परमेश्वर घर ना बनाए, बनाने वाले की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आइए और एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल को हम खोलेंगे एंड टर्न विथ मी टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 17। नीति वचन 14 चैप्टर उसका 17 कलम सिर्फ उसका पहला भाग में पढ़ता हूं। ऐसा मनुष्य जिसे शीघ्र क्रोध आता है वो मूर्तापूर्ण काम कर जाता है ना। इंग्लिश में ही दैट इज सून एंग्री डीलेथ फूलिशली। आज का शीर्षक है हैंडलिंग एंगर। मैरिज में क्रोध को कैसे नियंत्रण में रखना है हमको ना। कई बार लोग क्रोध के कारण इतना उनका क्रोध भड़क जाता है ना, वो कुछ भी बोल बैठते हैं, कुछ भी एक्शन कर देते हैं और कितना नुकसान उनके जीवन में आता है। इसलिए बाइबल जो बोल रही है ना, जो मनुष्य शीघ्र क्रोधित हो जाता है वो मूर्तापूर्ण काम कर जाता है। शीघ्र क्रोधित हो जाता है मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र बहुत जल्द गुस्सा भर जाता है उनके अंदर, और कुछ लोग रहते हैं बहुत क्रोध को एकदम से बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, कंट्रोल में रख लेते हैं। देखो ये क्रोध का विषय एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे दिल दिमाग में अंगार पैदा कर देती है जिसके द्वारा हम कोई एक्शन कर बैठते हैं। क्रोध मुझको एक अलग ही सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा मैं वो काम जो नहीं करना था कर भी बैठता हूं। इसलिए क्रोध का स्टडी हमको बहुत जरूरी है। क्रोध आने से आदमी का दिमाग में ऐसे ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स भी आ जाते हैं जिसके द्वारा कई बार वो मूर्खता का काम करता है। कई साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि क्रोध जब से आदमी में भर जाता है तो वो केवल अपना केंद्र उस व्यक्ति पर जिसने उसको क्रोधित किया उस पर ही टारगेट करता है, उसके आजू बाजू कुछ नहीं सोचता और देखता कि उसका परिणाम क्या होगा, और कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेता है जिसके कारण कई बार लंबे लंबे समय जेल में बिताना भी पड़ता है। कितने बार जेल में लोग मिलते हैं हमको, हाँ जेल विजिट्स में भी जाते हैं कि लोग कहते हैं कि जो काम नहीं करना था मैं कर बैठा, क्यों इतना क्रोध आ गया, क्यों गुस्सा आ गया मुझे। आज उनका जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि उन्होंने क्रोध को कंट्रोल करना नहीं सीखा। हमारे देश में सन 2012 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ये बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, जहां जो घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कारण नुकसान हो जाता है, जो रजिस्टर्ड केसेस हुए हैं वो लगभग 1,00,000 में 6 केसेस आते हैं ना। खैर ये रजिस्टर्ड केसेस और पुलिस थाने में तो बहुत ही कम तक ये केस पहुंचते हैं ना, परंतु कुछ लोगों ने और शोध करके बताया है कुछ 20-25% ना, उससे ज्यादा बढ़कर ये आंकड़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस विवाह में होता है। एक पूर्व यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह भी कहा, सन 2006 की बात बता रहा हूं, इंडिया में वुमन के विरोध 70% केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। घर परिवार में मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। इस रीति से डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा नुकसान घर परिवारों में लेकर के आ रहा है ना। इसलिए इस सब्जेक्ट का हमको स्टडी करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं और कुछ नहीं। एंगर
is influenced by words, thoughts or ideas. क्रोध को अंगार लगता है जब कोई शब्द कानों में पड़ा, कोई विचार आया मन में, कोई आइडियाज आया, ना कोई व्यक्ति ने कुछ गलत बोला या किया, उससे क्रोध भड़क जाता है. ये जब विचार और वर्ड्स मेरे कानों में आता है, मेरा दिमाग उसको प्रोसेस करना चालू कर देता है और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है उसका निर्णय वो पल भर में कर बैठता है. कुछ लोग है जो कान में सुनते तो है वो क्रोध के शब्द ना, परंतु सब कुछ कूलली हैंडल कर लेते हैं ना. दे कैन कामली हैंडल प्रेशर, डिसीशंस एंड इंटेंस चैलेंजेस. वो लोग घबराते नहीं है, उनका ऊपर वाला ढक्कन उड़ नहीं जाता और कान से धुआं नहीं निकलता उनका ना, बहुत कूलली हैंडल कर लेते हैं. क्रोध को हैंडल करना बहुत जरूरी है. बाइबल में लिखा है कलोसीस का 3:21 में, यहां पर पिताओं से, बाप से, फादर से पौलुस कहता है, बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो या रीस ना दिलाओ. इंग्लिश में कहता है फादर्स प्रवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू एंगर लेस्ट दे बी डिस्करेज. वो हताश हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे. वहां वर्ड यूज किया है प्रवोक. प्रवोक शब्द का डिक्शनरी मीनिंग कहता है टू स्टिम्युलेट और डिलिबरेटली मेक समवन अनॉयड और एंग्री ना. प्रवोक करना, किसी को टोचते रहना कि उसका क्रोध भड़क जाए ना. वो शब्द फादर्स प्रवोक नॉट योर चिल्ड्रन. मैं कहता हूं ये केवल फादर्स के लिए नहीं है पर हस्बैंड वाइफ के लिए भी है. कई बार एक दूसरे को हरदम टोचते रहेंगे तो एक दिन पूरा क्रोध भड़क जाता है. बाइबल में लिखा है एक बार एक स्त्री जिसका नाम है हन्ना, जिसके पास बच्चे नहीं थे ना, परंतु पेनन्ना जो एल्कना की दूसरी पत्नी थी वो और उसकी सहेलियां हन्ना को प्रवोक करते थे ना, हरदम उसको रीस दिलाते थे, चिढ़ाते रहते थे. उससे हन्ना बहुत दुखित हो गई थी, निराश हो गई थी. सो एंगर क्रोध हरदम स्टिम्युलेट किया जाता है. देखो क्रोध हम सभी में होता है, कोई जल्दी क्रोधित होता है, कोई कम होता है ना, पर क्रोध सभी में है. और उसको स्टिम्युलेट करने के लिए कुछ लोग शब्द बोलते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर क्रोध भड़क जाता है. और शैतान अगर ये उसे समझ जाए आपको बहुत जल्दी गुस्सा और गुस्से के बाद आप कुछ भी एक्शन कर बैठते हैं तो आप तो शैतान के लिए एक इजी विक्टिम बन गए हैं. फिर तो आपके आगे में ऐसे लोगों को लाएगा और ऐसे ऐसे शब्द को सुनाएगा जिसके कारण से आपका मूड आउट हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने कुछ भी फिर कर बैठा और बोल बैठा ना, और नुकसान अपने आप को आप ले आते हैं. अगर आप वो वर्ड्स, वो एक्शन, वो आइडियाज, जो थॉट्स मन में है उसको आपने ठीक रीति से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो बहुत नुकसान आपके जीवन में हो सकता है. दो उदाहरण हम बाइबल में लेंगे, दो विपरीत डिफरेंट ऑपोजिट एग्जांपल्स को हम लेंगे. एक है कैन. कैन जो हाबिल का भाई, ब्रदर ऑफ एबल ना, जिसने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया. और दूसरा तो हम एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेंगे, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का. उसने कैसे एंगर को कंट्रोल में रखा. कैन के बारे में हम जानते हैं आदम और हवा के पास में दो बेटे कैन और हाबिल, और समय आया तो दोनों ने अपनी बलि और भेंट को परमेश्वर के आगे चढ़ाने गए और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की नहीं. खोलिएगा मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4:5. उत्पत्ति उसका 4:5. परंतु यहोवा ने कैन तथा उसके द्वारा लाई भेंट को स्वीकार नहीं किया, इस कारण कैन क्रोधित हो गया, वो बहुत व्याकुल और निराश हो गया ना. इंग्लिश में लिखा है कैन वॉज वेरी रॉथ, गुस्से से उभर गया. एक कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई की भेंट को स्वीकार किया, शायद जेलेसी ना, वो जलन हो गई, उसको स्वीकार किया, मेरे को नहीं. अब मैं बताता हूं इस व्यक्ति को ना, यह भी एक क्रोध का कारण हो सकता है. पति पत्नी में भी कई बार जेलेसी हो जाती है, एक की पगार जाती, एक की कम, एक को ज्यादा खूबसूरत, एक नहीं, एक का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, डिफरेंट रीजंस ना हो सकता है ना, जिस कारण से जेलेसी और जेलेसी के द्वारा एंगर उभर जाता है. कैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ. और उसका 6 कलम कहता है यहोवा ने कैन से पूछा
तुम क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो उसमें क्रोध घुसा है ना। परमेश्वर ने पूछा तू क्रोधित क्यों है, और उसके साथ वाला कलम में उसका केवल आखिरी भाग में पढ़ दूंगा, तुम्हारे पाप तुम्हें अपने वश में रखना चाहेंगे लेकिन तुमको अपने पाप को अपने बस में रखना होगा ना, क्योंकि वो क्रोध से उभर गया, अब पाप द्वार पर खड़ा है, अब नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। परमेश्वर ने वार्निंग दे दिया, इसके अंदर में क्रोध उबल रहा है। परमेश्वर ने पहचान लिया ये आदमी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं रख सक रहा, इसलिए वार्निंग दे दिया इनको ना, ना कि ये पाप के कारण ना बहुत बड़ा नुकसान तेरे जीवन में अब होने वाला है। और कैन नहीं समझ सका, आगे जाकर उसने अपने भाई की हत्या मर्डर भी कर दिया, क्रोध के कारण मर्डर भी हो गया, क्योंकि कैन ने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सका। ये शैतान भी कई बार लोगों को क्रोधित कर देता है और आदमी औरत ना इसके बाद वो मूर्तापूर्वक कार्य कर देते हैं, क्या बकते और क्या बोल देते और क्या करनी कर देते हैं, उसका कंट्रोल वो नहीं कर पाते हैं, नुकसान उनके लाइफ में लेकर के आते हैं ना। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में से यीशु मसीह का। यीशु मसीह खुद ही ना इससे पहले कि जब क्रूस पर सूली पर चढ़ा दिया गया, महायाजकों ने शास्त्रियों ने उसकी परीक्षा ली और क्या क्या नहीं बोला और क्या क्या नहीं शब्द बका, तमाचा मारा, थूका उस पर ना, परंतु यीशु मसीह सब जगह शांत खड़ा रहा। मत्ती 26 चैप्टर 62 में लिखा है, तब महायाजकों ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। देखो यीशु मसीह ने एंगर को कैसे कंट्रोल किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग बुरा बक रहे हैं, बोल रहे हैं, तमाचा मार रहे हैं, ये बिल्कुल शांत वहां पर खड़ा रहा। कोई इसने सीखा हाउ टू कंट्रोल एंगर। उस समय अगर यीशु का क्रोध भड़क गया होता तो फिर इनको तो मौका मिल गया होता, और फिर वचन कैसे पूरा हो सकता था ना। इसलिए यीशु मसीह ने उस क्रोध को वहां पर कंट्रोल किया, एंगर को ना कंट्रोल किया, शांत खड़ा रहा। इंग्लिश में लिखा बट जीसस हेल्ड हिज पीस। वो ऐसा वो शांत रहना भी मैं कहता हूं ये आपकी बल को दिखाता है, आपकी सामर्थ, ये आपकी कमजोरी नहीं है। पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ देगा कि मैं ये सब झेलते रहूं, चुपचाप रहूं, रिएक्ट भी नहीं करूं ना, जैसे यीशु मसीह ने किया। मैं सोचता हूं ये महायाजक और ये शास्त्री लोग तो पागल हो रहे होंगे कि इतना बोल रहा है तुझको और तू कुछ बोल रहा भी नहीं, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा। ये ठहरे थे, they were provoking him, stimulate कर रहे थे इसको deliberately, उसको क्रोध घुस जाए उसके अंदर में। पर यीशु मसीह ने कहीं भी क्रोध को प्रबल नहीं होने दिया। देखो अंतर कैन का और यीशु मसीह का। कैन ने कंट्रोल नहीं कर पाया, कितना बड़ा नुकसान लेकर के आया अपने जीवन में ना। इसलिए हमको बड़े सावधानी के साथ में और कैसे यीशु मसीह ने कंट्रोल किया वैसा हमको करना जरूरी है। यीशु मसीह ने क्रोध का सामना शांति के साथ में किया ना। बाइबल में यह भी लिखा है, जो कुछ तू बोता है वो ही तू कटनी काटने वाला है ना। व्हाटसोएवर अ मैन सोएथ सो शैल ही रीप। जो बोता है यीशु मसीह ने ना यहां शांत या शांति को बोता रहा ना, इसलिए वो शांति को रीप कर सका। क्रोध को अगर हमारे विरुद्ध कोई क्रोध कर रहा, मैं भी क्रोध के शब्द को बोते जा रहा हूं ना। कई बार क्रोध और लड़ाई झगड़े में क्या होता है, एक पार्टी चिल्लाता है, दूसरा पार्टी और जोर से, एक पार्टी कुछ एक्शन लेता है, दूसरा पार्टी उससे बड़ा एक्शन लेकर दिखाता है ना। जो आप बोते हैं वही कटनी काटने वाले हैं, ये बाइबल बोल रहा है। क्रोध का सामना प्रेम के साथ में किया जाए। यीशु मसीह ने यह भी कह दिया, एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा दे देना ना, कोई नुकसान नहीं होगा। ये शांति बनाने के लिए सामर्थ होना है, इसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति का मुंह बंद करना है, थोड़ा देर शांत हो जा, जब ठंडा हो जाए माहौल फिर जवाब दे देना।
सुबह या नेक्स्ट डे जाकर कुछ बातें समझा देना बहुत फर्क पड़ जाएगा। हर आदमी जब क्रोध होकर कुछ एक्शन करता है जरूर बाद में पछताता है, अरे क्यों मैंने ऐसा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं बोल देना था मेरे को ना। वो समय ठीक होता है बातचीत करने का और समझाने का। इसलिए कौन से बीज आप आपके विवाह में बोते हैं, क्रोध के बीज बो रहे हैं तो क्रोध को कटनी काटना पड़ेगा आपको, शांति और प्रेम बोते जा रहे हैं तो वैसे बीज आप काटने वाले हैं ना। ये पौलुस ने बाइबल में यह भी कहा है, इफिशियंस की पत्री उसका 4:26 में लिखा है, इफिसी 4:26 पौलुस कह रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पौलुस कह रहा है क्रोध तो करो। देखो मैंने बताया ना, क्रोधित हम सभी होते हैं ना, परंतु कहता सूर्य अस्त होने से पहले ना उस क्रोध को तुम दूर कर देना। इंटेंशनली बाइबल बता रही है ना कि सोने से पहले या बिस्तर में जाने से पहले वो क्रोध की भावना को दूर करें। मैं कुछ मेडिकली कुछ इंटरनेट में मैंने सर्च किया था और इन बातों को मैंने पता लगाया कि क्रोध होने से ब्रेन में कौन से एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और यह बताया मेडिकल साइंस ने कि जब आदमी क्रोधित होता है तो एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनालिन और दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन से डिप्रेशन पैदा होता है, लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना। एड्रेनालिन से ना ऐसे हार्मोन्स आने से एक लास्टिंग स्टेट ऑफ अराउजल, आदमी को फिर नींद नहीं आती, फिर वो करबट बदलता रहता है, सो नहीं पाता है, कितना थका भी होगा ना, क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज होने से ब्रेन एक्साइट हो गया है, ब्रेन एनर्जाइज हो गया है ना, अब वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है, नींद चले जाती है। इसलिए पौलुस कहता है ठीक है भाई क्रोधित हो जाए तो कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान में रखना, रात होने से पहले शाम होने से पहले 2 मीठे शब्द बोल देना, प्रेम पूर्वक क्षमा भी कर देना, आई लव यू भी बोल देना, माफ भी कर देना। प्रभु अनुग्रह करे अगला वाला सेशन हम लोग फॉरगिवनेस पर लेंगे और उसके लिए भी कितनी दम लगता है और आत्मा का सामर्थ लगता है एक दूसरों को क्षमा करने के लिए, खासकर उस व्यक्ति या उस भाई या बहन को जो क्षमा के लायक और योग्य नहीं है ना। इसलिए ये मेडिकली भी ना साइंस बता रहा है, ब्रेन में भी ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उसके और भी परिणाम होता है। ये हार्मोन सिक्रीट होने से मार्क्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। जब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं ब्रेन में एड्रेनालिन और सेरोटोनिन, तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, उससे आप जानते कितना और नुकसान भी हो सकता है, और भी कुछ उसके परिणाम स्वेटिंग, पसीना बहना चालू होता है, और प्यूपिल डायलेशन, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब आदमी कोई गुस्सा में आके एक व्यक्ति आ जाता है, एंड इंक्रीज इन ब्लड सेंट टू द स्केलेटल मसल्स ना। ये हार्मोन सिक्रीट होने से ब्लड एक्स्ट्रा आपके मसल्स में फ्लो हो रहा है, और फिर खासकर पुरुषों में ना वो मसल्स तन जाते हैं और वो कुछ एक्शन करना चाहता है, मारपीट भी करना चाहता है। देखो स्त्री जात और मैनकाइंड दोनों एंगर को अलग अलग रीति से कंट्रोल करते हैं। मैनकाइंड पुरुष ज्यादा करके हाथ उठा लेता है ना, उसके मसल्स में तनाव एक्स्ट्रा ब्लड आ गया है और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है और उठा के मारपीट भी करना वो चालू कर देता है। ये बहुत कॉमन रिस्पॉन्स होता है पुरुषों का। स्त्री जात भी गुस्सा होती है ना, और कोई कहेगा भैया स्त्री जात ज्यादा गुस्सा हो जाती है ना। खैर हमारे भी पारिवारिक जीवन में शुरुआत में तो थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही था ना, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह दया के द्वारा आज हमारे घर में परिवार में हरियाली है, आनंद है। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं ना कि यीशु मसीह आने के द्वारा आपके जीवन में शांति आ सकती है, आपके जीवन में खुशियां आ सकती है। मैंने और वीना ने हमने चक्कर के देखा ना कितना जीवन में हरियाली आनंद आ गया, ये सब यीशु मसीह, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस है उसके आने के द्वारा ना। स्त्री लोग जब एंग्री हो जाते हैं ना तो उनका
तरीका अलग होता है। अक्सर बाइबल में भी लिखा है, पहला सैमुअल पहला चैप्टर और 10 कलम में, पहला सैमुअल 1 और 10 में हन्ना के बारे में, हन्ना बांझ थी और विरोधी लोग उसको सताते थे, तंग आते थे उसको ना, और बाइबल में लिखा है, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी ना, मन में व्याकुल हो गई, परेशान, इंग्लिश में शी वाज इन द बिटरनेस ऑफ सोल, बहुत परेशान है ना, और उसके पहले वाले कलम में लिखा है खाना भी बंद हो गया उसका ना। वुमन काइंड यूजुअली ना एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए बोलना और बातचीत बंद हो जाता है, अगर बोलेगी भी तो हां ना ना, इस रीति से मोनोसिलेबल वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत ड्राइनेस हो जाता है वर्ड्स का। अगर आपके वुमन में ऐसे कोई साइंस दिख रहे हैं तो समझ जाना अंदर में क्रोध बढ़ रहा है। और एक तरीका होता है खाना बंद हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया, लंच भी नहीं खाया, डिनर भी नहीं खाया, पूछेगा पुरुष उससे क्या हूं अब खाना नहीं, भूख नहीं है, अरे लंच नहीं भूख नहीं है, अरे डिनर तो नहीं भूख नहीं है ना, एंगर को एक्सप्रेस कर रही है वो ना। ये आपने उसको स्टार्टिंग स्टेज में कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे आगे डिग्री उसका और बढ़ते जाता है, और कुछ तो ना सेल्फ इंफ्लिक्शन ऑफ हार्म, अपने आप को मारना और काटना, ये भी क्रोध को प्रकट करने का तरीका होता है। और उससे आगे चले जाएंगे तो कुछ लोग फिनिल या तो मट्टी तेल या तो पंखे में लटक जाना, ये सब इंडिकेशंस है, साइंस है, सिम्टम्स है, ये एंगर बढ़ रहा है अगले जन्म में। इसको आपको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल बहुत नुकसान आ सकता है, क्योंकि शैतान भी खोटे खोटे मन में विचार डालते जाता है जिसके द्वारा ना व्यक्ति एक गलत कदम भी ले लेता है ना। इसलिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सी बातों से मेरा हस्बैंड मेरा वाइफ क्रोधित हो रहा है। एक और एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, नीचे दिया गया है फैमिली काउंसलिंग सेंटर, पास्टर एंड मिसेस वसु राव मैरिज काउंसलिंग भी कराते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने भी लिया था कॉल्ड लव बस्टर्स। लव बस्टर्स मतलब आइडेंटिफाई करो कौन सी बात हो जिसके द्वारा आप में क्रोध हो जाता है और आपका प्रेम का बलून फूट जाता है ना, उसको आइडेंटिफाई। कई बार कुछ रुपये के कारण झगड़ा हो जाता है, पैसे के कारण, कुछ इन लॉस के बारे में, कुछ और इश्यूज के बारे में, उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना हमको बहुत जरूरी हो जाता है ना। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है ना। इसलिए हमको बाइबल आधारित ना हमको वो कदम लेना है क्रोध को कंट्रोल करने को ले, जैसा यीशु मसीह ने किया है ना, क्रोध को उसने कंट्रोल में नियंत्रण में रखा है तो विजय को प्राप्त कर लिया है शांतिपूर्वक ना। प्रार्थना हमें बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें कई बार डीमंस और इवल स्पिरिट्स भी खोटे विचार मन में डालते, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, और नुकसान ही नुकसान, परंतु शैतान पर जय पाना है तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है ना। इसलिए ये वाला सब्जेक्ट वैसे कहे तो काफी लंबा सब्जेक्ट है ना, परंतु आज के लिए इतना ही काफी है ना। जो शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है वो मूर्त पूर्ण काम करता है, फुलिश काम कर बैठता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ क्रोध के मन में विचार आ रहे हैं तो उसको यहीं से गेट आउट कर दो ना, रात होने से पहले ये क्रोध के फीलिंग्स को आप उतार दो, नहीं तो आपके दिल दिमाग ब्रेन बॉडी पर ना बुरा असर वो करता जाएगा ना। आपको गीत गाना है, आपको प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, इससे अच्छे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसके द्वारा एक हेल्दी ब्रेन हो जाता है और शांति उतर आएगी ना। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घर को और जीवन को शांति से भरे ना। आइए अपने सिर को झुकाए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप तो शांति के राजकुमार है, आज के घर और परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अगर कहीं पर क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा और बुरे शब्दों का व्यवहार इस्तेमाल किया जाता है पिता, ये सब शैतानिक कार्यों को मैं यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं। आज एक असीम सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उतराए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी वो हरेक क्रोध के तूफानों पर जय प्राप्त कर सके
और मसीह के समान शांत स्वभाव उनको तो दे पिता प्रभु। दुष्ट की सामर्थ्य युक्त योजना इनके घर के विरोध मैं यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं प्रभु। हर एक भाई और बहन, हस्बैंड और वाइफ की सहायता कर प्रभु जी, ताकि शांतिपूर्वक अपना जीवन को बिता सके। आपके नाम से हर एक को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। नीचे दिए गए नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा और आपके लिए प्रार्थना निरंतर यहां पर की जाती है। मैं इस वक्त सारे स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके परिश्रम के द्वारा और स्पॉन्सरशिप के द्वारा ये संदेश देश भर में जगह जगह लोग सुन रहे हैं और जीवन उनका बढ़ते जा रहा है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।